कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको ना हिस्ट्री यानी इतिहास का जो आपका सुबह प्रश्न पत्र रहेगा ना, उसके लिए मैं बेहतरीन सी तैयारी करा रहा हूँ और पहले भी मैंने कई वीडियो आपके लिए डाल दिए हैं। ये बड़ी रिसर्च के बाद मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, एक बार इसको सॉल्व करके जरूर परीक्षा हॉल में जाइएगा। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? लैटिन। पेपायरस है एक पौधा। चंगेज खान का जो प्रारंभिक मूल नाम क्या था? वो था तेमुजीन। कैथेड्रल नगर किस देश में है? फ्रांस में है। सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है वो किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। नॉन किंग की संधि कब हुई थी? 1842 ईस्वी में। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रहने वाला है। कितना हो गया है ये? ठीक है, इसके बाद मेन पुस्तक का नाम है का भाग है, देखो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल पुस्तक का एक भाग है, यहां पर एकदम राइट आ जाएगा इसका, बाइबिल। आराम से समझो है ना, ताकि आधे जानता चाहिए यहां भी याद हो। ठीक है, रोम आधुनिक इटली देशों में स्थित है, इटली में स्थित है, इटली देश में, तो यहां पर जाएगा इटली। सामंती व्यवस्था में, सामंती समाज में कृषि दासों को सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग कृषकों का था? कमेंट में बता देना यदि किसी बच्चों को इसका आंसर पता हो तो, ताकि दूसरे बच्चों को पता चल जाए। द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार माइकल एंजिलो है, माइकल एंजिलो। ठीक है, बैंक ऑफ जापान की स्थापना, बैंक ऑफ जापान की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष हुई थी? 10 अक्टूबर 1882। हो गया इतना, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे, यहाँ पर 10 अक्टूबर लिख देना आपको और 1882 लिख देना है। अब अगला देखते हैं, असुर बनीपाल क्या है जोड़ी का? असुर बनीपाल, तो देखो पहला जो असुर बनीपाल है इसका मिलान आपको आसीरिया से मिलाना है। सिनेका का रोमन दार्शनिक आ जाएगा। यास का आपको लगना है चंगेज खान की विधि संहिता फिप, इसका देखिएगा आपको यहाँ पर इसका जाएगा, ये चौथे का मिलान है आपका। लॉर्ड द्वारा नाइटस को प्रदत्त भूक्षेत्र, पोप, पोप किने कहा जाता था? चर्च में किसानों द्वारा, किसानों से लिया जाने वाला कर, ये आपका टीथ है, ये टीथ। और पोप, पोप जो है वो है आपका कैथोलिक चर्च का प्रमुख, चर्च का प्रमुख। और अंत में सातवां जो है इसका मिलान आपको न्यू साउथ वेल्स से कर देना है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो ये कराया था नेबुजा रेजार ने, पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती है? पेपाइस। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है मोंक।
होपी किस प्रकार का समुदाय है था? होपी जो है वो आदिवासी समुदाय था। अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो अफीम का युद्ध का संबंध है चीन से। पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1949 ईस्वी में। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन यहाँ पर, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। सत्य और असत्य है आगे, है ना। मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, ये आपका असत्य हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, असत्य रहेगा। सत्य है चौथा जो है तीत है, ये भी सत्य रहेगा। पांचवा जो है वो भी आपका सत्य है, और यहाँ पर सत्य है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, हम्मुराबी की विधि संहिता की विशेषताएं लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से सॉल्यूशन अपन आगे का देखेंगे। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ से पूरा सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ इसके बाद में ये। ठीक है, इसका पहला प्रश्न देख लीजिए, चंगेज खान कौन था? यास के विषय में आप क्या जानते हैं? यदि आपको पहले से इसका सॉल्यूशन पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको पूरा सॉल्यूशन देता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए यहाँ पर अपन है ना केवल और केवल 4 पेपर सोल्व करेंगे। कितने? 4, बस 4 में आपका काम हो जाएगा। कर रहिएगा कंप्लीट आप तो 4 पेपर का, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करें तो यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, मुगलों की हारकारा पद्धति को समझाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 19 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 रहेगा, पुनर्जागरण। ठीक है भैया, इसके बाद में ये गोल्ड रश के बारे में आपको बताना है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो गया। चलिए अभी ये तो मैंने पूरा पेपर बता दिया आपको, चलिए इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की दो विशेषता है, ये लिखेगा आप यहाँ से। इसके बाद में यहाँ पर है ये हम्मुराबी की विधि संहिता की विशेषता है, लिखेगा। इसके बाद में यहाँ से आप इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ये क्लियर, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना है। किलकार लिपि की कोई 3 विशेषताएँ लिखिए, इसके बाद में यहाँ से ये हो जाएगा इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। ऋषि पेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। चंगेज खान कौन था, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ये यास के विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ से हो जाएगा, इतना कर लोगे कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उनकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ लिखिएगा, ये यहां से देख सकते हैं। तुर्कों ने कुश्तनियों पर क्यों और कब अधिकार किया, यहां से आप देख सकते हैं आगे का क्वेश्चन। पुनर्जागरण से आपका क्या तात्पर्य है,